कलेक्टर बनने से बहुत खुश होता है। पेमेंट पिताजी ने मुझे बताया कि बस कलेक्टर ही सबसे बड़ी छूट है तो कलेक्टर बन। तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे राय दी कितना एक अच्छा काम है और हमने उन्हीं की राय को माना कि बस कलेक्टर बनेंगे, माइनर कलेक्टर बनेंगे। और उसको हमने गांठ बांध ली है उसकी, उनके इस बात की हम पूजा करने लगे और आज ये कलेक्टर। तो आप लोगों को भी इसी तरह से कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना उद्देश्य बनाना पड़ेगा। तो अभी तक आप लोगों में से कितने लोगों ने उद्देश्य बनाया है, जरा हाथ उठाइए। नहीं, अगर नहीं बनाया तो गलत हाथ मत उठाना, कोई बात नहीं। आप लोगों ने उद्देश्य इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। अगर मेरे पिताजी ना बताते तो मैं भी नहीं बताता और मान को परेशान नहीं होता, कहीं खेती करता या कहीं मजदूरी करता या कोई मान को उनकी दुकान खोल के काम करता। तो मेरे परिवार जी ने हमें बताया, समझाया, डायरेक्शन दिया। तो वो जो काम आपके पिताजी का आपको कहीं से मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वही मैं आपको बताना आया हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको अपना ये उद्देश्य तय करना चाहिए। आप बनाना क्या चाहते हो अपनी जिंदगी, क्या बनना चाहते? कोई चाहता कि ना हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है उनको पेंटिंग वगैरह चाहती कि साहब हम पेंटर बनेंगे, कोई गाना गाने वाला है तो कहेगा कि साहब हम तो सिंगर बनेंगे, कोई सोचता है कि हम वकील बनेंगे, कोई कहता है कि उसकी उसको एक्टिंग में हीरो बनने में मजा आता है तो कहेगा हम हीरो बनेंगे। जिसको जो अच्छा लगता हो ये आप जानते हैं, वो आप अपना उद्देश्य अगले एक सप्ताह में तय कर लो। क्या करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके साथ ऐसे होने चाहिए, अपनी माता पिता के बारे में पीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा उद्देश्य तय करना कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्यों आपको लक्ष्य तय करने के पहले ये देखना जरूरी है आपको जिसमें काम करने में मजा आएगा वही किसी का माए तो फिजिक्स बहुत अच्छी है और वो माया डॉक्टर बनेंगे तो गर्व से सही रहता है। इस संसार के अंदर आप लोग अपने माता पिता की तरह आपके माता पिता के होंगे, माता के होंगे, पिता के होंगे, आपके इसको करने में कोई दिक्कत है? तो इसको आपको करके एक सप्ताह के अंदर वो अपने क्लास टीचर को देंगे, क्लास टीचर से वो इकट्ठा होकर के इनके पास आ जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे फायदा होगा या नहीं होगा? जैसे मुझे कक्षा पास में मेरे पिताजी ने मेरा लक्षित नहीं करा दिया, आज मैं आपका लक्षित नहीं करा के आ जाऊंगा। ठीक है, जब आपको लक्षित नहीं कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि लक्ष्य क्या होता है, कि आपको कहाँ पहुंचना है। तो जब आपको पता लग जाए अगर कहाँ पहुंचना है तो आप उसके लिए प्रयास करके, जैसे मान लीजिए आपको पता लग जाए कि आपको कल लखनऊ जाना है, आप कल से लखनऊ जाने तो गाड़ी का इंतजाम करोगे या बस पे जाओगे, घंटे का इंतजाम करोगे। और अगर आपका लक्ष्य ना हो कुछ करना है तो लक्ष्य तय करके ये सप्ताह के अंदर आप लोग मुझे ये आप अपने कार टीचर को देंगे और प्रिंसिपल के माध्यम से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक काम ये करना है।
आपको एक दिक्कत ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने को बहुत होशियार समझते हैं और अपने माता पिता को कम होशियार समझते हैं। ऐसा है कि नहीं है? अगर माता पिता कुछ कहते हैं तो कहते हैं आप हो हम आपसे ज्यादा काबिल हैं, अपने माता पिता को समझते नहीं, उनकी बात नहीं मानते, तो क्या ये बात अच्छी हो है? माता पिता से कभी बच्चे होशियार हो सकते हैं? तो जब माता पिता से ज्यादा होशियार बच्चे नहीं हो सकते तो माँ बाप का कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानो। लेकिन आज के जमाने में एक नया ट्रेंड चल रहा है, बच्चे अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं और उनका कहना नहीं मानते और बैठे में गिर जाते हैं, और जब बैठे में गिर जाते हैं तो वो माँ बाप भी नहीं जाते, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? तो जो लोग अभी अपने माँ बाप का कहना कम मानते हैं ये दिमाग से बात निकाल देते हैं। और बेहतर तो ये होगा कि सुबह उठ के अपने माँ बाप का पैसू तो पैसू में आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा, क्या मिलेगा? आशीर्वाद। दुनिया में किसी भी बच्चे का सबसे ज्यादा हितैषी कौन है? माँ बाप।